15 दिनों का पेरोल था। शादी को सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए आगे क्या रणनीति है? अभी कोई रणनीति नहीं, अभी यही रणनीति है कि कुछ क्षण बाद जेल जाएंगे। कहते हैं कि बड़े से बड़े क्रिमिनल, गैंगस्टर, बाहुबली और ताकतवर इंसान भी जेल का नाम सुनकर कांप उठता है। जाहिर तौर पर जेल एक ऐसी जगह है जहां कोई रहना पसंद नहीं करता है, लेकिन इस वीडियो को देखिए, ठहाके मारते पूर्व सांसद आनंद मोहन को देखिए। आगे क्या रणनीति है आपकी? अभी कोई रणनीति नहीं, अभी यही रणनीति है कि कुछ क्षण बाद जेल जाएंगे। ये तस्वीरें उनके जेल की चारदीवारी के अंदर दाखिल होने से महज कुछ क्षण पहले की है। देखकर कोई भी ये कह सकता है कि उनके दिलो दिमाग पर रत्ती भर भी सलाखों के पीछे फिर से पहुंचने का खौफ नहीं है। हमें तो बिल्कुल नहीं लगता। शायद यही वजह है जो औरों से आनंद मोहन को न सिर्फ जुदा करती है बल्कि बाहुबली की संज्ञा भी देती है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया हत्याकांड में पिछले 15 साल से सजा काट रहे पूर्व सांसद आनंद मोहन हाल ही में अपनी बेटी की शादी में शामिल होने के लिए पैरोल पर जेल से बाहर निकले थे। 15 दिनों की पैरोल की अवधि खत्म होने के बाद उन्हें फिर से नियम के मुताबिक जेल जाना पड़ा। ये तस्वीरें सहरसा जेल के बाहर की है। आनंद मोहन पैरोल खत्म होने के बाद तब फिर से जेल जाने के लिए आ रहे थे। उस वक्त उनके साथ छोटे बेटे अंशुमन आनंद और सैकड़ों समर्थक भी थे जो उन्हें सी ऑफ करने आए थे। बात आनंद मोहन की थी, लिहाजा उनके आने की खबर सुनकर पहले से वहां कुछ मीडिया कर्मी मौजूद थे। अब मीडिया कर्मी हैं तो सवाल जवाब तो होगा ही। एक पत्रकार महोदय ने पूछ लिया कि राजनीतिक परिपेक्ष में आपका आगे का क्या प्लान है। इस पर आनंद मोहन पहले तो ठहाके मारकर हंसने लगे, फिर जवाब दिया कि अभी तो कुछ ही पल के बाद मैं जेल में प्रवेश कर जाऊंगा। उन्होंने कहा कि कैदी की क्या राजनीति होगी, कैदी की कोई पार्टी नहीं होती है। यहीं पर एक दो वाक्या और हुआ जब पूर्व सांसद ठहाके लगाते दिखे। हालांकि वहां मौजूद सभी के चेहरे पर उदासी जरूर थी, लेकिन हर कोई इस गम को अपने नेता के ठहाके में छिपाने की कोशिश करते नजर आया। ऐसा सिर्फ सहरसा जेल गेट के बाहर नहीं हुआ जब आनंद मोहन ने इस प्रतिकूल परिस्थिति में भी जीवटता का परिचय दिया और हंसी खुशी के माहौल में परिवार और समर्थकों से विदा लिया। पटना स्थित आवास पर भी कमोबेश यही नजारा था जब आनंद मोहन सहरसा जेल के लिए निकल रहे थे। लवली आनंद, अंशुमन और उनके समर्थक भावुक थे, लेकिन आनंद मोहन ने सबको ढाढ़स बंधाया और ये कहते हुए गाड़ी में बैठकर निकल गए कि मैं वापस आऊंगा। हालांकि आनंद मोहन से जब उनकी रिहाई की बात पूछी गई तो उन्होंने कहा कि मेरी तो किसी से बात नहीं हुई है। ये तो होना ही था, 15 दिनों का पेरोल था। शादी को सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए और सब ठीक रहा, अच्छे से सब विदाई वगैरह करके बेटी और दामाद को फिर लौट रहे हैं। रिहाई को लेकर कुछ बात हुई कि नहीं हुई? मेरी तो कोई बातचीत नहीं हुई, आप लोगों को ज़्यादा जानकारी होगी। लेकिन जब माननीय मुख्यमंत्री जी ने सार्वजनिक मंच से कहा है तो एक जिम्मेवार पद पर आसीन व्यक्ति के कहने का कुछ तो वजन होता है, तो मैं समझता हूँ कि इसके प्रति वो गंभीर होंगे तभी तो बोले। उन्होंने कहा कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सार्वजनिक मंच पर रिहाई को लेकर कहा है तो एक जिम्मेवार व्यक्ति के कहने का कुछ तो वजन होगा, मैं समझता हूँ कि इसको लेकर वे गंभीर होंगे। आपको बता दें कि आनंद मोहन के बड़े बेटे चेतन आनंद की भी कुछ समय के बाद शादी होने वाली है। उम्मीद जताई जा रही है कि तब तक उनकी रिहाई हो जाए। अगर ऐसा किसी तकनीकी कारणों से नहीं हो पाता है तो फिर इसी तरह पैरोल पर आनंद मोहन आ सकते हैं।
देखना होगा कि आगे क्या होता है। आशीर्वाद इजीकॉन ग्रुप, भरोसे का दूसरा नाम। हम सिर्फ घर नहीं, खुशियां भी बनाते हैं। आशीर्वाद रोज वैली, जिसमें है प्रीमियम फ्लैट्स विद ऑल मॉडर्न अमेनिटीज। पटना में लेना चाहते हैं अपने सपनों का आशियाना, तो कीजिए हमारे नंबरों पर संपर्क।